तो अगर आपके पास गेम पास अल्टीमेट का सब्सक्रिप्शन है तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 5 अमेजिंग गेम्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप खेल सकते हो फॉर फ्री विद योर गेम पास सब्सक्रिप्शन। पहली गेम का नाम है पैलवर्ल्ड एंड ये गेम रिसेंटली बहुत फेमस हुई है एंड काफी लोगों ने पैलवर्ल्ड को पोकेमॉन से बेटर भी बताया। मेरे ओपिनियन में पैलवर्ल्ड के अंदर सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ही हैं पोकेमॉन के एंड ये गेम बेसिकली एक मॉन्स्टर मैनेजमेंट सिम्युलेटर है जिसमें आपको एक वर्ल्ड मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए एंड आपको अपने कैरेक्टर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल एंड मैनेज करना होता है। नेक्स्ट गेम है फार क्राई 5 एंड ये पर्सनली मेरी फेवरेट फार क्राई गेम है। इस गेम में आप प्ले करते हो एज अ शेरिफ जो यूएसए के एक फिक्शनल टाउन में फंस जाता है जिसे कंट्रोल करती है एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका लीडर होता है जोसेफ सीड। गेम में और भी मिनी बॉसेस हैं एंड मल्टीपल एरियाज हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर एंड लिबरेट कर सकते हो। फार क्राई 5 में मेजॉरिटी मिशंस काफी इंगेजिंग है, उसके साथ ही कैरेक्टर्स एंड स्टोरी भी काफी सॉलिड है। सो मेरी रिकमेंडेशन पे प्लीज डू ट्राई फार क्राई 5। नेक्स्ट गेम है मॉर्टल कॉम्बैट 11। अब ये एक काफी पॉपुलर फाइटिंग गेम है जिसमें आप लोकल एंड ऑनलाइन मल्टीप्लेयर दोनों खेल सकते हो। गेम के ग्राफिक्स एंड फाइटिंग मैकेनिक्स दोनों ही एक्सेलेंट है एंड वॉयलेंस तो इस गेम में भर भर के है। मैंने पर्सनली इस गेम को स्टोरी मोड के लिए खेला था एंड मुझे मॉर्टल कॉम्बैट 11 की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी थी। नेक्स्ट गेम है फोर्जा होराइजन 4 एंड ये फोर्जा होराइजन सीरीज की लेटेस्ट गेम नहीं है बट आई विल स्टिल हाईली रिकमेंड दिस क्योंकि ये एक सॉलिड ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है विद एक्सलेंट ग्राफिक्स एंड ड्राइविंग मैकेनिक्स। काफी सारी एक्टिविटीज है कंप्लीट करने के लिए एंड कार कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा है इस गेम का। सो अगर रेसिंग गेम्स अच्छी लगती हैं तो फोर्जा होराइजन 4 डेफिनेटली ट्राई करना। लिस्ट की लास्ट गेम है स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर एंड ये एक एक्सीलेंट सिंगल प्लेयर गेम है जिसमें आप कंटिन्यू करते हो योर एडवेंचर एज अ जेडाई। इस गेम के कॉम्बैट मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंट्स आर सम ऑफ द बेस्ट इन गेमिंग। इस गेम में आप एक जेडाई होना खुद फील कर पाओगे एंड हर एक स्टार वॉर फ्रेंचाइज फैन को ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। गेम पास पे ऐड होने से 15 दिन पहले ही इस गेम को मैंने अपने PlayStation 5 के लिए बाय किया था। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा तो काफी नुकसान हुआ है बट आप लोग इस गेम को फ्री में खेलने का चांस मत मिस करना। कैसी लगी ये लिस्ट बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में एंड ये भी बता देना कि नेक्स्ट गेम पास की लिस्ट में मुझे कौन सी गेम्स को ऐड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।